नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज है 28 नवंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के उज्जवल कुमार ने सबको चौंकाया। उज्जवल कुमार ने किया बीपीएससी में टॉप, छात्रों को दी योजना बनाने की सलाह। 1 लाख से अधिक आवासों का निर्माण जल्द होगा अधूरे। इंदिरा आवासों की निर्माण समय सीमा बढ़ी, 1,704 आवासों का निर्माण 15 दिसंबर तक। सिक्योरिटी गार्ड भर्ती फिर से होगा शुरू, आवेदन प्रक्रिया 29 नवंबर से 13 दिसंबर 2024 तक। 10+2 पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। पंकज त्रिपाठी ने बताया बिहार में घूमने लायक जगह, बिहार यात्रा के लिए सर्दी का समय बताया। बेस्ट सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा का भी किया जिक्र। बिहार में 30 नवंबर तक मौसम में तेजी से बदलाव, बंगाल की खाड़ी में हलचल से बारिश की संभावना। सर्दी बढ़ेगी रात और सुबह तापमान में गिरावट। आधार अपडेट मुफ्त 14 दिसंबर तक, 10 साल पुराने आधार करा ले अपडेट, घर बैठे भी कर सकते हैं आधार अपडेट। बुमराह बनी आईसीसी बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1, रबाडा को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। जायसवाल और कोहली को रैंकिंग में मिला फायदा, खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य में जूनियर असिस्टेंट के 2,700 से ज्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 23 दिसंबर 2024 से आवेदन कर सकेंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 तक है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। इसके अलावा हिंदी टाइपिंग की स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास NIELITCCC एग्जाम भी पास होना जरूरी है। उम्मीदवार के पास UPSSSC पेट 2023 स्कोर कार्ड होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। उम्मीदवार ज़्यादा डिटेल्स के लिए आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं। वैशाली जिले के गुरौल प्रखंड में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के रूप में कार्यरत उज्जवल कुमार उपकार ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के 69वीं परीक्षा में टॉप कर सभी को चौंका दिया है। जैसे ही उनके टॉप करने की खबर उनके चाहने वाले तक पहुंचती है, बधाई देने वालों का तांता लग गया। उज्जवल कुमार ने बातचीत में बताया कि उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन टॉप करेंगे इसका उन्हें खुद को भी यकीन नहीं था। उज्जवल कुमार ने छात्रों को आत्मविश्वास रखने और सही रणनीति अपनाने की सलाह दी। उनका कहना था कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाना बेहद जरूरी होता है। बिहार पर्यटन में आज बात गिद्धकुटा चोटी की करेंगे। बता दें कि बिहार के राजगीर में ये स्थित है। ये एक शानदार पहाड़ी चोटी है जो अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। गिद्धकुटा का नाम गिद्धों के आगमन के कारण पड़ा, क्योंकि इस चोटी पर अक्सर गिद्ध देखे जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार भगवान बुद्ध ने यहाँ अपना दूसरा धर्म चक्र चलाया था, जिससे इस स्थान का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस शिखर पर आकर आप न केवल इन गुफाओं का दर्शन कर सकते हैं, बल्कि यहाँ का शांत और प्राकृतिक वातावरण भी आपको आकर्षित करेगा। बिहार में राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लिए स्वीकृत और अधूरे पड़े 1,001,704 आवासों के निर्माण काम को जल्द पूरा करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को बिहार विधानसभा में ये जानकारी दी। विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में विधायक जीवेश कुमार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के बीच इंदिरा आवास योजना के तहत 18,03,871 लाभुकों को पहली किस्त की राशि दी गई थी, जिनका मकान निर्माण करना था। अब तक 17,02,167 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 1,01,704 आवास अभी अधूरे पड़े हैं। मंत्री ने ये कहा कि अधूरे आवासों में से कुछ लाभुकों का निधन हो चुका है, वही कुछ लोग अन्य राज्यों में पलायन कर गए हैं। लक्ष्य ये है कि इन सभी आवासों का निर्माण काम 15 दिसंबर तक पूरा किया जाए।
अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है और आपने अभी तक उसे अपडेट नहीं किया है तो आपके लिए ये खबर है, आप 14 दिसंबर तक मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। आप चाहे तो घर बैठे आधार पोर्टल पर जाकर अपना आधार अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या पते के प्रमाण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। myaadhar.uidai.gov.in पर जाएं, मेरा आधार सेक्शन में अपडेट आधार विवरण पर क्लिक करें, आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें, फिर OTP भेजें। पंजीकृत मोबाइल नंबर से OTP का उपयोग करें, जानकारी अपडेट करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, सबमिट करें और ट्रैकिंग के लिए URN नंबर सेव कर लें। बिहार के अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में यूट्यूबर कामिया जानी के साथ एक बातचीत के दौरान बिहार में घूमने लायक जगह बताया। पंकज त्रिपाठी ने कहा बिहार की यात्रा का सबसे अच्छा जो समय होता है सर्दियों के महीने होते हैं, जब ठंड में आप राज्य की हर कोने को सही से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सासाराम के ऐतिहासिक स्थल की बात करते हुए अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने शेरशाह सूरी की मकबरा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वही अगर आप भारत के मैदानी इलाकों में भूगोल में रुचि रखते हैं तो बिहार के उत्तरी भाग को देखने जा सकते हैं, जहां दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और मिथिलांचल जैसे इलाके संस्कृति और परंपराओं से भरे हुए हैं। अगर आप गाड़ी चलाते समय तेज आवाज में गाने सुन रहे हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम 39192 के अनुसार प्रेशर हॉर्न बजाने पर 10,000 रुपये का चलान कट सकता है और साइलेंस जोन में हॉर्न बजाने पर 2,000 रुपये का चलान हो सकता है। साथ ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल या हैंड्स फ्री उपकरणों का इस्तेमाल करना भी अपराध माना जाता है। नेविगेशन के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। अगर आपका चलान होता है तो आपको 90 दिनों के अंदर चलान की रकम जमा करनी होती है। अगर आपने ये राशि 90 दिनों के अंदर जमा नहीं की तो आपको और ज्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा। यदि आप पहले इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे तो अब आपके पास एक और मौका है। आवेदन की प्रक्रिया 29 नवंबर 2024 से शुरू हो रही है और अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2024 तक है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा पास होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवारों की जो आयु है 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2022 के आधार पर की जाएगी और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी गई है। बिहार विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट हमारी स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे में आज बात होगी कामेश्वर सिंह की। आज 28 नवंबर को दरभंगा के महान शख्सियत महाराजा कामेश्वर सिंह की जयंती है। उनका जन्म 28 नवंबर 1907 में हुआ था और 1929 में उन्होंने दरभंगा राज की बागडोर संभाली। 1935 में उन्होंने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना और दरभंगा कप टूर्नामेंट की शुरुआत की। उन्होंने लहेरिया सराय पोलो स्टेडियम सहित कई खेल सुविधाओं का निर्माण कराया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को दान किया। 1951 में मिथिला स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए 60 एकड़ जमीन उन्होंने दान किए थे। वे भारतीय राजनीति में भी एक्टिव थे। 1933 से 1946 तक संविधान सभा के सदस्य रहे और 1952 से 1962 तक राज्यसभा में कार्यरत रहे। उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। बिहार के परिवहन ढांचे में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 189 किलोमीटर लंबे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की, जो बिहार का पहला 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। इस परियोजना NHAI द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे गया जिले के आमस से शुरू होकर दरभंगा जिले के बेला नवादा तक जाएगा और 7 जिलों से होते हुए प्रमुख शहरों जैसे कि औरंगाबाद, गया, पटना और दरभंगा को जोड़ने का काम करेगा। इस परियोजना से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क मजबूत होगा, जिससे यात्रा का समय लगभग 4 घंटे कम होने की संभावना है। बिहार के सहरसा जिले में एक दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। 5 दिसंबर को लगने वाले इस एक दिवसीय रोजगार मेले को लेकर कुछ नियम और शर्तें लागू की गए हैं। नॉन मैट्रिक से लेकर उच्चतर योग्यता धारी के लिए KYP पास होना जरूरी है। इन्हीं युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए युवाओं को पहले
www.ncs.gov.in पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही उन्हें बायोडाटा योग्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लानी होगी। इस रोजगार मेले में युवाओं को न केवल नौकरी के अवसर मिलेंगे बल्कि करियर काउंसलिंग के लिए अलग से एक स्टॉल भी लगाया जाएगा, जहां युवा अपनी शंका और दुविधाओं का समाधान कर सकते हैं। व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस के बीच क्या होता है अंतर? बता दें कि व्हाट्सएप मुख्य रूप से पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है, जहां यूजर्स दोस्तों और परिवार के साथ चैट, कॉल और मीडिया शेयर करते हैं। इनमें बिजनेस के लिए कोई खास फीचर्स नहीं होते हैं। एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया जा सकता है, एक नंबर से एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया जा सकता है। वही अगर व्हाट्सएप बिजनेस की हम बात करें तो छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसमें कई ऐसे फीचर्स होते हैं जो बिजनेस के लिए यूजफुल होते हैं। इसका इस्तेमाल ग्राहकों के साथ कम्युनिकेट करने, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जानकारी देने और ऑर्डर लेने के लिए किया जाता है। पर्सनल यूज करना है तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, और अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस आपके लिए बेहतर होगा। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया है। बीते दिन बिहार विधानसभा ने इस संबंध में एक बिल पारित किया, जिसके तहत अवैध कब्जा करने पर 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पारित हुआ, जिसमें कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के स्थान पर खेल विभाग का नाम रखा गया है। इसी दिन विपक्ष ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करते हुए हंगामा किया, लेकिन सरकार ने कई अहम विधेयकों को पारित करवा लिया। इनमें सरकारी परिसर आवंटन और बेदखली से संबंधित संशोधन विधेयक भी शामिल था। नई दिल्ली में आयोजित 43वीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पर्यटन विभाग ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और सुविधाओं की जानकारी दी। बिहार पर्यटन की क्षेत्रीय सहायक निदेशक शालिनी ने बताया कि इस पवेलियन में दर्शकों को बिहार के पर्यटन सर्किट्स जैसे बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट और जैन सर्किट की जानकारी वीडियो और साहित्य के माध्यम से दी गई। बिहार पवेलियन में सभ्यता द्वार, बोधि वृक्ष, ग्लास ब्रिज और आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय जैसी प्रमुख आकर्षणों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा पवेलियन में पद्मश्री कलाकारों द्वारा मधुबनी पेंटिंग, टेराकोटा और सिक्की कला का प्रदर्शन किया गया। साथ ही बिहार की पारंपरिक हस्तकला और हस्तकरघा उत्पादों का भी प्रदर्शन हुआ। बिहार सरकार का ऊर्जा विभाग राज्य के हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज कर रहा है, जिसके तहत पुराने पारंपरिक मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदला जा रहा है। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि बिजली बिल में कोई गड़बड़ी नहीं होगी क्योंकि मीटर रीडिंग और बिलिंग पूरी तरह से स्वचालित होंगे। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत और खर्च की रियल टाइम जानकारी देता है, जिससे बिजली बचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा उपभोक्ता ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं और 2,000 रुपये या उससे अधिक की राशि रखने पर ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर से विलंब शुल्क भी नहीं लगता क्योंकि भुगतान प्रीपेड होता है। बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं परीक्षा का परिणाम कई परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। इनमें एक परिवार है बिग बॉस फेम और मशहूर गायक दीपक ठाकुर का, जिन्होंने अपनी बहन ज्योति की सफलता पर गर्व महसूस किया है। ज्योति ने इस बार बीपीएससी के 69वीं परीक्षा में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी डीएफ पदाधिकारी के रूप में सफलता हासिल की। मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के आर्थर गाँव के रहने वाले दीपक ठाकुर के परिवार में इस सफलता को लेकर खुशी का माहौल है। मंगलवार शाम को रिजल्ट के बाद से ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी ज्योति ने बीपीएससी की 68वीं परीक्षा पास की थी और तब वे पंचायती राज पदाधिकारी बनी थी। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली ज्योति की सफलता ने उनके परिवार को गर्व महसूस कराया। बिहार के मौसम में 30 नवंबर तक तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है और इसका मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी में हो रहे समुद्री हलचल को माना जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश हो सकती है, जिससे मौसम में ठंडक का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में सर्दी में इजाफा होगा और रात के समय तक तथा सुबह के तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। इसके साथ ही घना कोहरा भी छा सकता है, जिससे लोगों को बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बड़ा एक्शन लिया है। पहले जहां आरजेडी के नेताओं की गाड़ियों का चालान काटा गया था, अब बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई। बीते दिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को हटाया और सभी का चालान काटा। इसमें कई मंत्री, विधायक और बड़े नेता भी शामिल रहे। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि नियम सभी के लिए समान है, चाहे वे आम लोग हो या फिर वीआईपी लोग हो। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि पटना ट्रैफिक पुलिस किसी भी स्थिति में नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार में मिथिला राज्य बनाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अलग मिथिला राज्य बनाने का समर्थन किया। उनका कहना था कि ये मांग लंबे समय से चली आ रही है और अब इसे गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। राबड़ी देवी ने मैथिली भाषा पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया और कहा कि बिहार और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, ऐसे में मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं को पीएम नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीते दिन अपनी नई पार्टी कार्यालय में गृह प्रवेश किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी मां, जमुई सांसद अरुण भारती और पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि आज वे इस कार्यालय में अपने बेटे के साथ आई। इस मौके पर उनकी मां ने अपने देवर पशुपति कुमार पारस पर तीखा हमला किया और कहा कि उन्होंने पिछले 3 सालों तक उन्हें इस कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे आज ये देखकर खुशी हो रही है कि मेरे पति के विचारों को लेकर हम फिर से इस कार्यालय में आ पाए हैं। वही चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन इस बार 225 से ज्यादा सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाएगा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इशारों में संवाद हुआ, जिसने सबको चौंका दिया। सदन में जब चाचा नीतीश कुमार ने भतीजे तेजस्वी यादव से उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब ठीक है। इसके बाद दोनों के बीच एक और मजेदार संवाद हुआ, जब तेजस्वी ने सीएम नीतीश की बंडी की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी बंडी अच्छी है। इस पर सीएम नीतीश मुस्कुराए। इसके बाद सीएम नीतीश ने इशारों में तेजस्वी से पूछा कि वे इतने तनाव में क्यों हैं, जिस पर तेजस्वी ने फिर से हंसते हुए जवाब दिया सब ठीक है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1976 में बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी भारत के उपजाऊ क्षेत्र और महत्वपूर्ण बंदरगाह पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। आज के दिन सन 1956 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए थे। आज के दिन सन 1999 में भारत ने कांस्य पदक जीता था मलेशिया को हराकर। आज के दिन सन 1922 में भगवत झा आजाद का जन्म हुआ था। आज के दिन सन 1890 में ज्योतिबा फुले का निधन हुआ था। ये भारत के महान विचारक, समाजसेवी तथा क्रांतिकारी थे। सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 50 से 85 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से झूठा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी करार दिया है। इस प्रकार के फर्जी दावों से आप सावधान रहें। भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने शानदार प्रदर्शन से टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक गेंदबाज बनने का कीर्तिमान हासिल किया। बुमराह ने बॉर्डर ग्वास्कर ट्रॉफी के पहले मैच में 295 रन की प्रभावशाली जीत में 8 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। इस शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा और ऑस्ट्रेलिया के जोस हेजलवुड को पछाड़ते हुए आईसीसी की टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया। इस ऐतिहासिक जीत और बुमराह की शानदार खेल ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं विराट कोहली 13वें स्थान पर पहुंच गए। इंग्लैंड के जो रूट पहले स्थान पर बने हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पर कड़ा अंकुश लगाने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री जो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती, उसे सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मंत्री ने इसके लिए कड़े कानून और निगरानी संस्थाओं की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करने और सामग्री पर निगरानी रखने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि नया कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदार कंटेंट के बीच संतुलन बनाएगा और गलत खबरों के फैलने से समाज और लोकतंत्र को बचाया जा सकेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा आज का पहला सवाल है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 21 नवंबर, ऑप्शन बी है 22 नवंबर, ऑप्शन सी है 23 नवंबर और ऑप्शन डी है 24 नवंबर। इसका सही उत्तर होगा 21 नवंबर। हाल ही में खिली राम मीणा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है 11वां, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13वां और ऑप्शन डी है 10वां। इसका सही उत्तर होगा 10वां। हाल ही में महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है जापान। इसका सही आंसर होगा भारत। हाल ही में प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है डवेस, ऑप्शन बी है वेब्स, ऑप्शन सी है रेप्स और ऑप्शन डी है एप्स। इसका सही उत्तर होगा वेब्स। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद जम्स, विनय राज, विकास दास, कृष्णा प्रसाद, संजीव कुमार, परमिला कुमारी, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजीव कुमार, राम बाबूदास, मोतीलाल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विजय घायल, बलराम मंडल, पंकज कुमार दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, कौन सा मौसम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आप इसका जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।